भ्रामक विज्ञापनों के मामले पर योग गुरु रामदेव पंतजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य रामकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील बलवीर ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि सर्वोच्च अदालत ही नहीं, देश की किसी भी अदालत का आदेश हो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पंतजलि की माफ़ी को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आपने क्या किया है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। इस मामले की 10 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होगी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुउल्ला की पीठ के सामने ये सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंतजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्रवाई के मामले में 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष पेश होने को कहा था। पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने गंभीर मसलों का मजाक बना रखा है, आपको पता लगना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का क्या नतीजा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील से कहा कि आपके पास यहाँ तर्क देने का कोई लोकस नहीं है, ये तो हमने छूट दे रखी है, अन्यथा ये अदालत की अवमानना का मामला है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे। वकील ने बताया बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हफलनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था, जब जवाब दाखिल नहीं किया गया तब अवमानना नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ओर से आश्वासन दिया गया था और उसके बाद उल्लंघन किया गया, ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप यहाँ आश्वासन देते हैं और इसके बाद प्रेस वार्ता करते हैं, अब माफ़ी मांग रहे हैं, ये कैसा स्वीकार किया जाए, आपने कैसे उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया, आपको नवंबर में चेतावनी दी गई थी बावजूद इसके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि बाबा रामदेव के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। रामदेव के वकील ने कहा कि हमने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आप वजह बताइए कि आखिर उल्लंघन कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है, हमें आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं है।